झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के राज्य संगठन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का लेटर जारी कर बताया कि डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद हैं। बता दें कि पिछले दिनों चर्चा शुरू हुई थी कि रविंद्र कुमार राय जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर इसका खंडन किया था। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से भाजपा नेता भी हैरान हैं। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कहा कि स्वाभाविक है कि अब हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा अपना कार्यक्रम व्यस्त है। ऐसे में हमारे पुराने साथी को केंद्र द्वारा मनोनीत किए जाने से बेहतर क्या हो सकता है। हम झारखंड में 51 से अधिक सीटें जीतेंगे। किसी तरह की नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। स्वाभाविक है क्योंकि अध्यक्ष चुनाव खुद लड़ रहे हैं, हम तो हमारी अपनी व्यस्तता है। तो हमारे एक पुराने साथी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने मनोनीत किया, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम सब लोग मिलकर अब झारखंड में जो हम कह रहे थे 51+ इस बार सीट हम लोग यहाँ ले आएंगे। नहीं नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं है भाई, इसमें डैमेज कौन सी का डैमेज कंट्रोल है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नाराज नहीं, ऐसा नहीं।